नमस्कार आदाब दोस्तों, मुंब्रा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए चलते हैं हमारी आज की विशेष और बड़ी खबर पर। भारी बारिश के चलते बदलापुर के डैम का एक ढक्कन खुल चुका है, वहीं दीवा, कल्याण, डोंबिवली आसपास के शहरों में पानी घुस गया है। और मुंब्रा वासियों से भी विनंती है, जो ग्राउंड फ्लोर पर खाड़ी के निकट रहते हैं, अपना सारा साजो सामान, ज़रूरत का सामान लेकर ऊँची हाइट पर चले जाए। हो सके तो ग्राउंड फ्लोर के घरों को खाली करके 2 माले 3 माले पर अपना बसेरा बसाए, ताकि आगे जाकर हालात बद से बदतर हो तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़े। चलिए चलते हैं हमारे आज की फुटेज की ओर, जो मुंब्रा इंग्लिश हाई स्कूल परिसर, MTNL कंपाउंड, जो खाड़ी से सबसे निकट माने वाली जगह है, वहाँ का हालात हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज हम आए मुंब्रा इंग्लिश हाई स्कूल के MTNL परिसर में। यहाँ पर पानी भरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहीं स्थानीय नगर सेवक श्री जफर नुमानी साहब ने आकर लोगों को राहत दिलाने की पूरी कोशिश की। आइए जानते जफर भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। देखिए ऐसा है कि सुबह 9 बजे मुझे गोसावी साहब का फ़ोन आया कि डैम के खुलने के आसार है, खुल सकता है, डैम का पानी का लेवल बढ़ गया है। तो मैं फ़ौरन यहाँ पर कामिल भाई रहते हैं, मैंने उनको और एक शमीम भाई रहते हैं उनको फ़ोन किया यहाँ पर, और साई प्रसाद चौल जो कि बिल्कुल मित्तल नाले को लग करके है, क्योंकि यहीं पर पानी भरने के पहले आसार रहते हैं। मैं सलीम बाली को, सलीम भाई हैं, और लोगों से पूरी चाली में जा करके मैंने एक एक दरवाज़ा ठोक करके कहा कि भाई सब लोग अलर्ट रहिए, अपने अपने सामान को ऊपर रखिए, अपनी कीमती चीज़ों को हटा दीजिए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। बारिश इतनी ज़्यादा है कि कुछ करी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमने पूरे नाले वगैरह का, ऐसा नहीं है कि नाले का पानी निकल नहीं रहा है, नाले का पानी जा रहा है, नाला पूरा क्लियर है, लेकिन पानी का लेवल बराबर होने की वजह से पूरा चालियों में पानी भर गया है। लोगों का पूरा ग्राउंड फ्लोर का सामान ख़राब हो रहे हैं, पूरा सामान लोगों ने खाली किया। बाजू में MTNL वालों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, MTNL कंपाउंड वालों का, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने खुलवा करके सामान रखने के लिए वहाँ पर अपना पूरा जितना चाली के लोगों का सामान है, उन्होंने कहा कि अपना सामान वहाँ शिफ्टिंग कर दीजिए, वो लोग सामान शिफ्टिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने, मैं क्या, अल्लाह करवाने वाला है, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि पानी वगैरह और दोपहर के खाने का अरेंजमेंट हमने किया है अभी लोगों के लिए, और इंशाल्लाह रात का भी खाने का हम इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इंतज़ाम करेंगे। लेकिन लोगों से मेरी ये अपील है कि लोग अलर्ट रहें, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा है कि इसका कोई रास्ता नहीं है। ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा इसको कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग पूरे मुंब्रा शहर में, मेरे वार्ड की बात नहीं, पूरे मुंब्रा शहर में जो लोग पहाड़ियों पर रहते हैं, वो लोग पहाड़ियों का रूम खाली कर दें, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग का कभी भी कोई भी मसला हो सकता है, और अपनी जान रहेगी तो अपन हम कुछ भी कर सकते हैं, बचा सकते हैं। मैं गरीब नवाज चाल और साई प्रसाद चौल, और देखिए जीनियस स्कूल के तमाम जिम्मेदार यहाँ आ गए हैं, उन लोगों ने भी पूरे स्कूलों को खोल दिया है। मुश्ताक भाई यहाँ मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि भाई मेरे स्कूल में बिल्कुल आप डाल दीजिए, लोगों को राहत सामग्री का जितना भी सामान है सब उसमें डाल दीजिए। जफर भाई एक और एक सवाल, जैसे हर साल बारिश में ये तकलीफ़ होती है लोगों को, मगर ये डैम का खुलने का सिलसिला, तो ये लोग पहले लोगों को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते हैं, ताकि लोग अपना सेफ साइड कर ले? एक्चुअली अभी तक कोई वो नहीं था, लेकिन जैसे ही डैम का ये उनको मैसेज आया, महानगर पालिका को जैसे ही मैसेज आया, महानगर पालिका ने स्थानीय नगर सेवक को, सबसे पहला उनका फ़र्ज होता है कि स्थानीय नगर सेवक को वो लोग अलर्ट करें, हमको जैसे ही हमको मैसेज मिला हमने लोगों को अलर्ट किया कि भाई अपने अपने सामानों की हिफाजत करिए। अभी एक 80 साल की ज़यीफ़ औरत है, मैंने आप देखे होंगे, हम लोगों ने उसको उठा करके वहाँ पर रखे हैं, और ऐसा नहीं है, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। 2005 में भी यही हालात हुए थे, लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, अचानक में रात में डैम खोला गया था, तो इस पर ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? मतलब लोगों को कम से कम इन्फॉर्मेशन मिलेंगी तो अपना घर बार तो बचाने, कुछ सामान साज बच जाएगा लोगों का। एक्चुअली ऐसा है कि जब डैम से जैसे ही इनको इन्फॉर्मेशन आएगी, मान ये कैसा होता है कि जैसे ही डैम का नाम सुनो तो लोगों के दिलों में एक दहशत फैल जाती है और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, इसलिए लोग बहुत इसको बहुत ही संजीदगी से, बहुत इत्मीनान से लोगों को मैसेज देते हैं, अपने स्थानीय नगर सेवक को देते हैं, NGOs को देते हैं, ताकि लोग कायदे से लोगों को समझा दें, समझाने के बाद लोग अपना अपना सामान जहां पर उठा करके रखना है उठा कर रखें। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इतनी बारिश है कहीं बाहर ना जाएं, कहीं निकले नहीं, जो लोग इस तरह की मतलब ऐसी ख़तरनाक जगह है, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ के किनारे हैं, नाले के किनारे हैं, नदी के किनारे हैं, मुंब्रा, पूरे मुंब्रा शहर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो लोग अपने घरों में, अपने घरों से निकल जाएं, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाएं, कोई सेफ जगह पे चले जाएं, अपने सामानों की हिफाजत करें, खुद अपनी हिफाजत करें, और अल्लाह से दुआ करें कि सिर्फ अल्लाह ही ये मुसीबत को टाल सकता है, महानगर पालिका या इंसान के कोई बस की बात नहीं है। मेरी लोगों की दुआ है, मैं अल्लाह से खुद दुआ कर रहा हूँ, मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि दुआ करें। मस्जिदों में अभी मैं लोगों से अपील करूँगा कि मस्जिदों में, अपनी अपनी मस्जिदों में, मस्जिदों से अजान करवाएं, क्योंकि ये हमको बताया गया है कि अगर इस तरीके की कभी ज़्यादा बारिश हो तो मुसीबत को टालने के लिए आप
अजान करिए, मुसीबत नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करूँगी रहमत की बारिश करिए, बारिश भी हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, बारिश रहमत की बारिश हो। मैं लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग हैं बेचारे, इनका नुकसान है। मैं पूरे महानगर पालिका के मैंने एक एक स्टाफ को फ़ोन किया, गोसावी साहब को फ़ोन किया, आहिरे साहब को फ़ोन किया, संतोष कदम साहब को फ़ोन लगा रहा हूँ मैं, फिर मैंने तलाटी को फ़ोन किया कि इसका विजिट करे, मैं कोशिश ये करूँगा कि इसका विजिट कराया जाए और जिनका जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा महानगर पालिका पूरी पूरी कोशिश करे इसको देने के लिए, और मैं पूरी जी जान से उसकी कोशिश करूँगा। और मेरे आवाम का अगर ये साथ रहा तो इंशाल्लाह मैं इनके साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ूंगा और पूरा जो भी इनका नुकसान हुआ है पूरा दिलाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई आपके कीमती समय के लिए। जफर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर आए हैं मुस्ताक भाई, आइए जानते हैं इन्होंने क्या राहत कार्य के लिए मदद की लोगों की। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, हमने कोई मदद नहीं की है, हमारी बाजू में स्कूल है और इस सब जो एरिया के लोग हैं हमारे स्कूल में आकर रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह सारा बंदोबस्त कर देंगे अल्लाह ने चाहा तो। और स्थानीय युवा समाज सेवक पप्पू भाई से हम जानते हैं कि ये कब पानी चढ़ना शुरू हुआ और ये माहौल कब ख़राब हुआ। पानी चढ़ना तो भाई तकरीबन ये आज का मामला नहीं, पानी तकरीबन ये 15 दिन से मामला चल रहा है क्या, लेकिन ये मामला जो था ये 40 तक सीमित था और बहुत कम पानी चढ़ा जाता था, लेकिन अब की बार इतना पानी भरा कि लोगों के सामान तहस नहस हो गए, पलंग वलंग खुल गए, फ्रिजें गिर गई, यानी एकदम कुछ बचा ही नहीं समझ लो लोगों के घरों में, बेचारे रो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा और हमारे माननीय नगर सेवक साहब इन्होंने भी बहुत सहकार्य किया, हमारे मुश्ताक भाई जिनकी जीनियस स्कूल है क्या, इन्होंने भी बहुत सहकार्य किया और MTNL वाले इन्होंने भी बहुत सहकार्य किया, तो मैं यही कोशिश करूँगा। और ख़ास तौर पर एक बात ये बोलना चाहूँगा, मैं तमाम आवाम से बोलना चाहूँगा कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी न करें, लोगों की हेल्प करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न कि तुम फोटोग्राफी में अपने मशगूल हो, मेरा अपने वीडियो निकाल फोटो निकाल, इसमें मत रहो, ये वक्त उसका नहीं है, ये वक्त है लोगों की मदद करने का। हाँ, कोई भी हो उसकी हेल्प करो, ये ना कि मैं फोटो निकालू, मेरा फोटो निकालो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, इस वक्त हमको मदद करना है। मगर कहीं ना कहीं पत्रकारों को ये चीज लोगों तक आवाम तक की भी पहुंचानी जरूरी है भाई। पत्रकारों की बात अलग है, आम लोगों की बात, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, पत्रकारों लोगों को ये पहुंचाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो जब तक नहीं बताएंगे तो लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा, शासन में कैसा मालूम पड़ेगा क्या। लेकिन मैं आम लोगों की बात बता रहा हूँ कि आम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके मोबाइल से फोटो निकालना, ये सब मतलब कैसा को बिल्कुल सही नहीं, सेल्फी वगैरह लेते जो। हाँ, लोगों की मदद करो, वो निकाले किसी अपने आप को, अपने आप को अगर चमकाना है तो अल्लाह की नजर में चमकाओ, दुनिया की नजर में मत चमकाओ, बस ये बोल के मैं अपना। बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू भाई आपका। बस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, जय हिंद जय महाराष्ट्र। प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूले, और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें।